हाँ बैच बी में। ओके okay. लाइव हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर स्टार्टिंग विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बेसिक्स में आता है ये, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th तक स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको इस तरीके से कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं कि 11th से ही या अभी के नेक्स्ट जो 7 to 8 लेक्चर्स रहेंगे जिसमें अपन इसको कवर करेंगे, तो तुम्हारा आईपीएससी पार्ट की किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस तरीके से नेम करना है, ये चीज तुम लोग का परफेक्ट मतलब होना चाहिए, ठीक है। सो टॉपिक का नाम है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, तो स्क्रीन पे दिया है, स्क्रीन क्लियर है सबके लिए? यस सर, यस यस सर, क्लियर है। हाँ सर। यस, तो तुम्हारा एम क्या है? यू नीड टू गिव नेम टू व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या रहता है? डेफिनेशन पढ़ा रहेगा तुमने ये 9th-10th में। व्हाट इज सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड? व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द कार्बोरेजन। मेन एलिमेंट। ओके, जिसका अरे फर्स्ट, कार्बन नाइट्रोजन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना। यस, हाँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेनली डिपेंड्स ऑन मतलब हाइड्रोकार्बन से ही डील करता है। उसके अंदर बाकी एलिमेंट्स का क्वांटिटी बहुत कम रहेगा। मैक्सिमम परसेंटेज इट विल बी ऑलवेज ऑफ क्या, कार्बन और मिस क्या रहने वाला है, हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो उसको नेम करने का एक फॉर्मेट है, स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको। पहला वाला क्या रहता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है? इट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंड वाला है क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट नेम। थर्ड वाला क्या है? प्राइमरी सफिक्स। और बाद में फोर्थ वाला, सॉरी लास्ट वन क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। फिक्स। तो ये एक फॉर्मेट है। जैसे तुम लोग अभी 10th तुमने पास आउट किया है, तुम लोग कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भरोगे, तो तुम्हारा नाम लिखने का एक फॉर्मेट होता है। वो क्या रहता है, कोई बताएगा किस तरीके से आता है लास्ट नेम, फॉर्मेट? मिडल लास्ट नेम और नेम, फर्स्ट फर्स्ट नेम, नेम, फर्स्ट से मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल फर्स्ट नेम नेम, मिडल एंड लास्ट नेम। नेम, ठीक है। जनरली ये होता है, फर्स्ट नेम होता है, मिडल नेम होता है और लास्ट नेम होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट होता है, तो वो तीनों टर्म्स अपने को मतलब फिल करना होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आईपीएससी सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुमको नाम देना है, तो उसके 5 पार्ट्स रहते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, रूट नेम है, प्राइमरी सफिक्स है, और सेकेंडरी क्या है? सफिक्स है, ठीक है। तो ये 5 इंफॉर्मेशन तुमको वहां पे क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद में एग्जाम्पल से बताता हूँ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या रहता है। एक अगर मैंने नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, तो मैक्सिमम क्या रहता है, देयर विल बी कार्बन रहेगा। तो ये फर्स्ट कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन। देन वी हैव कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर क्या, 6। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार एनीवन? बनाते हैं ना, 4 बॉन्ड चार बनाता है। हाँ चार, तो इसके सिंगल ऊपर सिंगल हाइड्रोजन वो की हाइड्रोजन कितने रहेंगे? थ्री वन टू थ्री टू एंड थ्री हाइड्रोजन। इसके ऊपर टू हाइड्रोजन कितने रहेंगे? देयर विल बी व्हाट, वन टू टू एंड टू टू। वेरी गुड। टू इसके ऊपर भी कितना रहेगा? टू 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 मीन्स रहेगा। सर सिर्फ कोने यस, में थ्री रहते हैं, बस बाकी के सारे टू 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 वेरी गुड। तो टू एच और एच रहेगा यहाँ पे, एंड वंस अगेन ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने रहेंगे? थ्री थ्री रहेंगे। तो ये तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन है, ये तुम्हारा एक क्या है, हाइड्रोकार्बन, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड क्या, हाइड्रोजन। इसके ऊपर रिएक्शंस होंगे, मतलब ये किसी और के साथ रिएक्ट करेगा। उसके बाद में क्या होता है, ठीक है, मींस वी आर एक्चुअली नाउ डिस्कसिंग जो उसका पहला पार्ट है, उस जो फॉर्मेट उसका पहला पार्ट क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्रीफिक्स दिया है। क्या दिया है? प्राइमरी प्रीफिक्स। दैट प्राइमरी प्रीफिक्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट के लिए स्टैंड करता है। किसके लिए स्टैंड करता है? सब्स्टिट्यूएंट। प्लीज ऑफ दैट माइक जिसका भी चालू है, मतलब वही बता रहा हूं, ठीक है, वही पढ़ने वाले अभी अपन। तो फर्स्ट है हाँ सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट क्या रहता है, ठीक है, उसी को अपन स्टडी करने वाले। जैसे ये रिएक्ट करेगा,
उसमें क्या होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, लेकिन वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये एच के जगह पे क्या आ जाएगा, सीएल, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या आ रहा है, सीएल आ रहा है, तो सीएल क्या रहेगा तुम्हारा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। वैसे ये एच को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, तो बी आर तुम्हारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। एच को रिप्लेस करके दूसरा क्या आ सकता है, यस एवरीथिंग, ठीक है, एच को रिप्लेस करके वहां पे क्या आ सकता है, OH आ सकता है, क्या आ सकता है, OH। उसके बाद में एच को रिप्लेस करके वहां पे क्या आ सकता है, NH2 आ सकता है, दैट इज वन ऑप्शन। किसी ने भी बोला डबल बॉन्ड O, यस वो भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। ये अगर तुमने, ये अगर तुमने मैंने ये वाले केस में ये दो हाइड्रोजन निकाले, ये अगर दो हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा अभी यहाँ पे, यहाँ पे दो है, दो बॉन्ड ऐड करना पड़ेगा और दो बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड क्या, सब्स्टिट्यूएंट, दिस विल बी कॉल्ड क्या, सब्स्टिट्यूएंट। सो एनीथिंग दैट इज रिप्लेसिंग योर हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन, एनीथिंग दैट इज रिप्लेसिंग योर हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन, उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है, दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे जाके अपन लिख लेते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स इज नथिंग बट क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के कुछ टाइप्स, पहले कॉन्सेप्ट समझ के लेंगे अपन और डिटेल में उसके बाद में जाएंगे, मतलब पहले कोर कॉन्सेप्ट क्या है, बाद में बस उसके एंटिटीज अपन ऐड करते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जैसे तुमको मालूम है सीएल को अपन क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रहेगा, क्लोरो रहेगा, क्या रहता है, क्लोरो। बी आर को मीन्स क्या बोलोगे तुम लोग, ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड क्या, ब्रोमो। हाइड्रोजन को क्या बोलोगे, आयोडो, ठीक है, आयोडो, ओ डी ओ, आयोडो। एक और ले लो जो कि क्या रहेगा, ओ एच, इफ योर ओ एच इज सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद में सीएल हो गया, बी आर हो गया, आई माइनस हो गया, यस, अल्कोहल वो फंक्शनल ग्रुप का नाम है, इट कैन एक्ट एज अ टू थिंग, सब्स्टिट्यूएंट के इससे ऐड कर सकता है और इट कैन एक्ट एज अ पर्सनल ग्रुप, ठीक है। माइक प्लीज, कंफ्यूजन आ रहा ना, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा आगे, प्लीज ऑफ योर माइक, ओम महाजन, डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर आंसर दे के हो चुका है सो प्लीज तुम्हारा माइक ऑफ कर लिया करो, एंड मेनली दोस पीपल जिनके सराउंडिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी, सम पीपल आर सेइंग कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, वो कंफ्यूजन निकालने का तरीका है आगे जाके आएगा जब व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी क्या, सेकेंडरी सफिक्स, वो कंफ्यूजन किस तरीके से दूर होता है वो अपन कहाँ पे स्टडी करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। फिलहाल के लिए OH हाइड्रोक्सी। एक और लिख लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, NH2, क्या रहता है NH2, अमाइन, इट विल बी कॉल्ड अमाइनो, अमाइनो, जो तुम्हारा अमाइन है दैट इज नॉट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है, कब अमाइन यूज करना है और कब अमाइनो यूज करना है ये अपन डिस्कस करेंगे। जैसे तुमने आंसर बोला था कि वो अल्कोहल है, तो कब अल्कोहल बोलना है और कब उसको हाइड्रोक्सी बोलना है, तो ये अपन सेकेंडरी सफिक्स में स्टडी करेंगे। तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली कब क्या यूज करना है वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। देन वी हैव सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये क्या रहता है, इट स्टैंड्स फॉर क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब अगर दो है तो फिर इथेन, नहीं उसके लिए रूट नेम है, दैट इज रूट नेम सर, प्रीफिक्स मींस हर इसके बाद सर, वो क्लोरो एंड ये जिस नंबर पे बॉन्ड बना था उसका नंबर है क्या, नहीं दैट इज प्राइमरी सफिक्स सर, उसको हेलो बोलते हैं क्या, हेलो एल्केन, नहीं अभी प्राइमरी प्रीफिक्स, मुझको लगा मतलब कुछ लोग सीबीएसई से पढ़े हैं, कुछ लोग ठीक है दूसरे बोर्ड से पढ़े थे, उनको शायद से हुआ रहेगा, सीबीएसई में शायद सीबीएसई का हाल ऐसा लग रहा है या नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे कितने कार्बन है, छह कार्बन है, कितने कार्बन है, छह कार्बन, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस इन दिस वे, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन, और ये इस तरीके से बाकी सब पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, चार बॉन्ड बनाते ना, तो सब पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, पीएच टू बन जाएगा। अभी पहले वाले में और सेकेंड वाले में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में जो कार्बन का चेन था
ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो मेजर पार्ट होता है, वो जो चेन था वो स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है, मतलब साइक्लिक नहीं है, लीनियर है वो, ठीक है। अब ये साइक्लिक है, जरूरी नहीं सबके सब साइक्लिक, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये वन, ये क्या रहेगा, टू हाइड्रोजन, ये तीन, ये चार, ये क्या रहेगा, फिफ्थ कार्बन, और सिक्स वाला कार्बन कहां पे रहेगा, बाहर रहेगा, लेकिन एक रिंग वहां पे प्रेजेंट है, कार्बन का प्रेजेंट है। ये ऐसे भी बन सकता है, कितने कार्बन, एक कार्बन साइक्लिक होगा, सब साइक्लिक है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन साइक्लिक, तो साइक्लो ना, ये साइकिल है बस कार्बन का, वो छह का रहने दो, चार का रहने दो, ठीक है, पांच का है, तीन का है, वो मैटर नहीं करता है। अगर कार्बन साइक्लिक बना रहा है तो वहां पे वो साइक्लो वर्ड आएगा, समझ में आ रहा है ये? तो बस सर, तो कार्बन सिर्फ सिक्स ही रहेंगे ना, कार्बन सिक्स रहेगा, कार्बन चेंज हो सकता है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग रहेगा, कार्बन का कितना काउंट है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, साइकिल है या नहीं वो मैटर कर रहा है फिलहाल, ये वाले पॉइंट, ठीक है। मतलब कार्बन एक शेप में, कार्बन की चेन शेप में होनी चाहिए, मतलब वो साइक्लिक, राइट, शेप में, मतलब साइक्लिक शेप में, साइकिल बनना चाहिए ऐसे, तो मतलब एनक्लोज्ड फिगर, राउंड होना, राउंड होना चाहिए, यस, ठीक है सर। या सर, लेकिन जो आपने जो बीच में जो ड्रॉ किया है ना, उसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड जो लीनियर में है उसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो वो मैटर नहीं कर रहा फिलहाल, अपन बस वो देख रहे कि साइक्लो कब आया, का मैटर करता क्या, कार्बन का काउंट भी नहीं, मतलब बस अपन ये बता रहे कि साइकिल रहेगा। अभी मैं वो चार का भी बना सकता हूँ, तीन का ही बना सकता हूँ, लेकिन दो का नहीं बना सकता हूँ साइकिल। सो जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि साइकिल रहेगा तो साइक्लो वर्ड यूज करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर बस उसमें साइकिल है फिलहाल के लिए, इतना बस समझ के लो कि अगर साइकिल है तो साइक्लो वर्ड मेंशन करेंगे, और नहीं है तो उसको मेंशन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों कंपलसरी नहीं होता है, सब्स्टिट्यूएंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, तो ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन रूट नेम क्या है, कंपलसरी है। ये प्राइमरी सफिक्स क्या है, कंपलसरी है, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स भी ये कंपलसरी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपन ने अभी तक थर्ड नेम, रूट नेम, इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन, ये क्या बताने वाला है तुमको, नंबर ऑफ क्या बताएगा, कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन क्या रहेगा, मेन चेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, मतलब इन शॉर्ट अपन क्या कर रहे हैं कि जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अपन मतलब एम क्या है कि वो नाम देख के, जब तुम लोगों नाम रीड करोगे ना, तो तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आना चाहिए, तो उतना इंफॉर्मेशन अपन उस नाम में लिखने वाले, ठीक है। तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितने कार्बन से बन रहा है, आई गेस ये नेमिंग बहुत लोग को मालूम रहेगा। अगर वन कार्बन है, कितना कार्बन है, वन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, एक बाद में आएगा, सेवन रहेगा, इट विल बी कॉल्ड व्हाट, हेप्ट, वेरी गुड, एट रहेगा, सो इट विल बी कॉल्ड क्या, ऑक्टा, एट रहेगा तो इट विल बी कॉल्ड क्या, नैनो, नैनो, ओ एन, ठीक है, एंड टेन रहेगा तो इट विल बी कॉल्ड क्या, ये उसका नेमिंग कन्वेंशन है, कितने सारे कार्बन है तुम्हारे मेन चेन में, कितने सारे कार्बन है तुम्हारे मेन चेन में, उसका इंफॉर्मेशन तुमको किस तरीके से बताना है, ठीक है। अगर वन, तो ये केमिस्ट्री का मतलब नंबरिंग सिस्टम है, जहां पे वन टू थ्री अपन ऐसे नहीं बोलते, उनका अलग से एक नाम दिया है, तो वो नाम को अपने को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो कार्बन ये वाला जो होता है, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा तुमको, कार्बन एंड कार्बन के बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अभी कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रह सकता है, देयर कैन बी क्या, देयर कैन बी सिंगल बॉन्ड, देयर कैन बी डबल बॉन्ड, एंड देयर कैन बी क्या, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड क्या, एन बोलेंगे उसको। डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे,
क्या रहेगा आयन फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या रहेगा आयन रहेगा वो, समझ में आइए ठीक है। तो इसमें बस तीन ही इंफॉर्मेशन है, इफ देयर इज कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड तो मुझको वहां पे क्या लिखना है उसमें एन लिखना है, प्राइमरी सफिक्स का वैल्यू क्या रहेगा एन, सेकेंडरी सफिक्स का वैल्यू क्या रहेगा इट विल बी क्या इन रहेगा, अगर कार्बन कार्बन क्या डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका वैल्यू क्या रहेगा। तो इस तरीके से है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सेकेंडरी सफिक्स, इसका डेफिनेशन पहले देख लो ठीक है। इट इज सब्स्टिट्यूएंट, इट इज क्या सब्स्टिट्यूएंट विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, इट इज सब्स्टिट्यूएंट विथ क्या रहेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, नेक्स्ट क्यों हो जाता है, हाईएस्ट क्या रहेगा प्रायोरिटी रहेगा ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी सफिक्स भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंडरी सफिक्स भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन उसका प्रायोरिटी डिसाइड होता है, उसका क्या डिसाइड होता है प्रायोरिटी। अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए कितने लोग आईपीएल देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं, और कितने लोग बताएंगे कि बैंगलोर टीम का कैप्टन कौन है, विराट कोहली कैप्टन ऑफ बैंगलोर टीम ठीक है। रोहित शर्मा कौन सी टीम का कैप्टन है, मुंबई इंडियन। रोहित शर्मा वो डिसाइड करता है कि मुंबई इंडियंस का टीम किस तरीके से फंक्शन करेगा, मतलब किस तरीके से क्या करेगा बिहेव करेगा ठीक है, because he is captain. वो उसका फंक्शनल ग्रुप है, वो डिसाइड करता है कि वो टीम किस तरीके से क्या करेगा बिहेव करेगा या किस तरीके से क्या करेगा फंक्शन करेगा। सेकंड विराट कोहली डिसाइड करता है कि बैंगलोर का टीम किस तरीके से क्या करेगा फंक्शन करेगा ठीक है। लेकिन जब वो दोनों इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, When they play for Indian cricket team, तो वो टाइम पे कैप्टन कौन रहता है, विराट कोहली। विराट कोहली ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ठीक है हाईएस्ट प्रायोरिटी। अभी दो कैप्टन है, डिस्टर्बेंस अवॉइड करो रे ठीक है। ये दो कैप्टन है विराट कोहली एंड क्या रोहित शर्मा, ये दोनों भी क्या है दे आर फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर कैप्टन्स। लेकिन जब वो लोग एक ही टीम में खेलेंगे तो अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, अपने को क्या डिसाइड करना पड़ेगा प्रायोरिटी। अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा में प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है, विराट कोहली का होता है। तो उस वाले केस में दो कैप्टन है, लेकिन अटेंड अपन कैप्टन किसको बोलेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में, विराट कोहली को बोलेंगे, समझ में आ रही है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूएंट विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, देयर विल बी मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन हर एक सब्स्टिट्यूएंट का क्या रहता है प्रायोरिटी रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे है, अभी मेरे पास यहाँ पे लिखने का स्पेस नहीं है तो मैं इसको नेक्स्ट वाले पेज पे लिखता हूँ ठीक है, कि तुमको वहां पे क्या लिखना है फंक्शनल ग्रुप में, यहाँ पे भी स्पेस नहीं है एक्चुअली। सो इसको रब कर लेता हूँ मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से रब करता है ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अपन ने अभी वो क्रिकेट टीम के लिए सुना है या समझा है, लेकिन वो चीज यहां पे कैसे एप्लीकेबल करना है वो तुमको अभी दो मिनट में बताता हूं ठीक है। नाउ नाउ इस वाले केस में टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन 11 कैप्टन है, कितने कैप्टन है 11 ठीक है, उसमें से बस अपन चार अभी देखने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट क्या फोर। फर्स्ट वाला होता है कार्ब ऑक्सलिक एसिड, क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अभी कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि सर ये आर क्या है, ये आर क्या है, आर इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल तुमको दो एग्जाम्पल यहीं पे दे देता हूं मैं, ये ऐसे रह सकता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड और क्या रहेगा ओ एच है। तो जो लास्ट वाला कार्बन दिख रहा है ना उस पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या है OH, दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या है डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, CH3 है. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन कार्बन एंड थ्री हाइड्रोजन. सेकेंड मैं तुमको सेकेंड वाला ड्रॉ करके बता सकता हूँ, ये क्या रहेगा CH3, यहाँ पे क्या रहेगा CH2, फिर यहाँ पे क्या रहेगा सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या रहेगा OH. यहाँ पे R का वैल्यू क्या है तुम लोग बताओ, CH3CH2. सिंपल है, R इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहता है R. अभी ये जो R है इसके दो नाम होता है एक्चुअली, इसके दो नाम रहेंगे एक्चुअली. तो फर्स्ट वाला जो नेम है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट वाला नेम है इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स नेम. पहले वाले नाम को अपन क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है, दैट पार्ट विल बी कॉल्ड क्या, प्रीफिक्स. एंड सेकेंड वाला जो नाम है दैट विल बी कॉल्ड क्या, सफिक्स रहेगा. दैट पार्ट विल बी कॉल्ड क्या, सफिक्स रहेगा. ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान दोगे, मतलब धीरे धीरे इसके बारे में सोचना है, जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, तुमको दो पॉइंट बता रहा हूं, उसमें तुमने प्रीफिक्स भी मेंशन किया है और सफिक्स भी मेंशन किया है. प्रीफिक्स भी मेंशन किया और क्या मेंशन किया है, सफिक्स भी. और सेकंड, उसके अंदर प्रीफिक्स स्टैंड्स फॉर क्या, सब्स्टिट्यूएंट रहता है. क्या रहता है, सब्स्टिट्यूएंट. एंड सफिक्स स्टैंड्स फॉर क्या, फंक्शनल ग्रुप विच इज अगेन सब्स्टिट्यूएंट बट विथ क्या, हाईएस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट होता है सफिक्स में, ये क्लोरीन रोमाइन जैसा. नहीं, इस पे तुमको सोचना है, मैंने बस थिंकिंग का पॉइंट दिया है. मैं तुमको अभी ये क्वेश्चन पूछूंगा एक्चुअली कि प्रीफिक्स और सफिक्स दो नाम क्यों चाहिए. तो तुमको मैंने बस सोचने का ये दिया है कि फॉर्मूला में दोनों रहता है, प्रीफिक्स भी रहता है और क्या रहता है, सफिक्स. और सब्स्टिट्यूएंट दोनों जगह पे, प्रीफिक्स में भी सब्स्टिट्यूएंट है और सफिक्स में भी सब्स्टिट्यूएंट है. बस डिफरेंस क्या है, प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट है बस, बट सफिक्स में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट विद क्या, हाईएस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, तो ये बस दिमाग में लेके आगे का पार्ट जो सिखाऊंगा उस पर सोचना है. तो इसका जो मतलब नाम होता है, ठीक है, जो इसका प्रीफिक्स का नाम होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी बोलेंगे. क्या बोलेंगे, एक्चुअली इसका नाम थोड़ा चेंज हुआ है, फिलहाल के लिए कार्बोक्सी बोल देता हूँ. इसका करेक्शन वाला नाम मीन्स आगे के लेक्चर्स में मतलब बता दूंगा मैं, कार्बोक्सी. सफिक्स का इसका नाम होता है क्या, ओइक एसिड. फिलहाल बस अपना जो, यस, इट विल बी कॉल्ड क्या, ओइक एसिड. ये उसका सफिक्स का नाम है. सेकंड वाला जो मुझको तुमको बताना है वो क्या रहेगा, अल्कोहल, इट इज कॉल्ड अल्डिहाइड. व्हाट इज अल्डिहाइड, आर ओनली डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड और क्या रहेगा, एच रहेगा. ठीक है, इसका जो प्रीफिक्स नेम है उसका नाम क्या है, ऑक्सो रहता है. क्या नाम रहता है, ऑक्सो. ठीक है, तीसरा वाला क्या है, कीटोन है. जैसा वाला क्या है, कीटोन है. फिर यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी आर सी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और आर डैश. इसका मीनिंग क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी सेम होता है, मतलब कार्बन पे रहना चाहिए क्या, डबल बॉन्ड ओ. दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि अल्डिहाइड में दैट डबल बॉन्ड ओ विल बी ऑन लास्ट कार्बन, दैट डबल बॉन्ड ओ विल बी ऑन क्या, लास्ट कार्बन. और अल्डिहाइड में वो डबल बॉन्ड ओ लास्ट वाले कार्बन पे नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है, ये दोनों भी सेम है. ठीक है सर, आपने उल्टा बोला क्या, मीन्स आपने क्या बोला कि सी डबल बॉन्ड ओ अल्डिहाइड में लास्ट में रहेगा ना, अल्डिहाइड में लास्ट में, बराबर है. हाँ, तो आपने अल्डिहाइड में बोला कि वो लास्ट में नहीं रहेगा, ऐसे बोला क्या, ठीक है, एटलीस्ट समझ में आया ना, लेकिन लिखा है वो बोला रहेगा मैंने उल्टा गलती से. ठीक है, तो इसका जो प्रीफिक्स नाम है एक्चुअली इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, वो भी कल बताऊंगा. ठीक है, जैसे जैसे अपन अपडेट करेंगे इसको. ये दोनों का नाम क्या रहता है प्रीफिक्स में, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोलेंगे अपन. क्या बोलेंगे, ऑक्सो. लेकिन सफिक्स में इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड के पहले दो अल्फाबेट्स अपन लेंगे, एंड कीटोन में लास्ट के तीन अल्फाबेट्स लेते हैं, जो कि क्या लेते हैं, ONE लेंगे. ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट दैट इज किस, जो तुमने किसी ने रेज किया था, दैट इज कौन सा पार्ट रहेगा, अल्कोहल पार्ट. इट इज R और क्या रहेगा, OH विथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वहां पे क्या रहने वाला है, OH रहेगा. इसका प्रीफिक्स का नाम क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी रहेगा.
सफिक्स का नाम क्या रहेगा? हाइड्रोक्सी। और इसका सफिक्स का नाम क्या रहेगा? ओएल रहेगा, ठीक है। इसका सफिक्स का नाम क्या रहेगा? ओएल। अभी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव टू नेम्स फॉर एवरी फंक्शनल ग्रुप। हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए दो नाम क्यों दिया है? वो हमको बताता है कि लास्ट में कौन सा है, मतलब ओएल ओएच है या कुछ मतलब बड़ा कंपाउंड है ऐसा कुछ। सफिक्स अपने को डिटरमाइन करते हैं कि कौन से ग्रुप में। मेरे वो तो प्रीफिक्स भी करता है ना सर। प्रीफिक्स में कार्बन ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का आइडिया देता है, मतलब कौन सा, मतलब ये स्ट्रक्चर में कौन सा स्टार्टिंग में लग रहा है हाइड्रोजन। नो, ये भी नहीं है। नहीं, एनीवन एल्स? उसमें कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और कौन सा करेक्ट आंसर था जो कि हाफ सर, मतलब प्रीफिक्स जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं फर्स्ट नेम और सफिक्स लास्ट नेम। नहीं, प्रॉपर आंसर नहीं है। तो प्रीफिक्स से समझ में आता कि सर कौन से, सर चैट पे डाला है सर तक तो, कौन से एटम कितने हैं और वो कहां प्लेस किए गए। नहीं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ग्रुप आर यूज्ड इन सेम हाइड्रोकार्बन देन प्रीफिक्स विल बी एडेड फर्स्ट एंड सफिक्स एट लास्ट। प्रीफिक्स विल बी एडेड फर्स्ट सर, मैंने दो फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं ना, इसलिए फिर प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज हो सकता है। यस, अगर चलो इसको एक लेवल पे आगे बढ़ाते हैं। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप में, एक ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अल्कोहल भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में प्रीफिक्स कौन रहेगा और सफिक्स कौन रहेगा? एल्डिहाइड का प्रीफिक्स ऑक्सो रहेगा और सफिक्स अगर कुछ नहीं। ओके ओके ओके, सो तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रही है, सो लिसन टू दिस नाउ। ये इसका प्रायोरिटी है, ये इसका क्या है? प्रायोरिटी है, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से कम स्ट्रॉन्ग कौन है? कीटोन। और कीटोन से कम स्ट्रॉन्ग कौन है? अल्कोहल। ये कौन सा ऑर्डर है? जैसे अपना ऑर्डर है, सबसे पहले कौन रहेगा? विराट कोहली, ठीक है। सेकंड कौन है? रोहित शर्मा। उसके बाद में कौन है? शिखर धवन है। फोर्थ वाला कौन है? फोर्थ वाला कौन है? राहुल, केएल राहुल। केएल राहुल, दोनों बैंगलोर के लिए ना रे। धोनी स्टॉप पे रहेगा। प्रायोरिटी बता रहा है, अगर विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली नहीं है तो इंडियन टीम को, मतलब उसका कैप्टन कौन बनेगा? रोहित शर्मा बनेगा, ठीक है। तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कैप्टन एक ही रहता है टीम में, कैप्टन एक ही रहेगा। तो अगर दो कैप्टन है तो विच कैप्टन इज गोइंग टू एक्ट एज प्लेयर, मतलब जैसे रोहित शर्मा के पास भी कैप्टन बनने का एबिलिटी है, विराट कोहली के पास भी कैप्टन बनने का एबिलिटी है, बट व्हेन दे आर प्लेइंग इन अ सिंगल टीम तो वो टाइम पे कैप्टनसी मतलब कौन करेगा? विराट कोहली करेगा, विराट, ठीक है। वो टाइम पे कैप्टनसी कौन करेगा? विराट कोहली। एंड रोहित शर्मा विल एक्ट एज अ क्या? सिंपल प्लेयर के जैसे वो क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो तुमको बताना है कि ये वाला क्या रहेगा? कैप्टन, और बाकी के सब दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ क्या? सब्स्टिट्यूएंट के जैसे ऐड करेंगे। तो जो कैप्टन है उसका सफिक्स वाला नाम देंगे अपन, कौन सा नाम देंगे? कौन सा नाम देंगे? यहाँ पे दो नाम है ना सबका, दो नाम देंगे तो उसका अपन कौन सा नाम देंगे? सफिक्स, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप के जैसे ऐड कर रहा है। और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो कौन सा नाम देंगे अपन?
प्रीफिक्स वाला, तो ये उसका इंपॉर्टेंस है कि क्यों अपन ने हर एक फंक्शनल ग्रुप को दो नाम दिया है, और जो नाम ये लिस्ट में नहीं आते वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे, दे के नॉट बी क्या फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कहीं पे तुमको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब दिख रहा है क्या? नहीं, तो वो कभी भी ठीक है फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते। ठीक है, जैसे आशीष ने रहा है वो टीम में अकेले भी खेलेगा या कौन से भी टीम में खेलेगा, वो कभी भी कैप्टन नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये बस मैंने उसका थ्योरी एक्सप्लेन किया है, इसको अच्छे से पहले लिख के लो, देन वी कैन स्टार्ट विद द सम्स। इसके अपन बहुत सारे सम्स करेंगे, मोर देन 60 एक्चुअली, 60-100 के रेंज में इसके सम्स जाएंगे, डिपेंडिंग कि तुम्हारा परफॉर्मेंस या तुम्हारा जो आंसर है वो किस तरीके से आ रहा है। और लिखने के बाद बता दो कि हो गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं रहे, लिखना इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्क्रीनशॉट लिख लिया, जो लोग खुश हो रहे ना, बहुत ज्यादा गलत है वो, मतलब पॉइंट ही नहीं है ये लेक्चर अटेंड करना और ये सब। मतलब इफ यू आर नॉट राइटिंग, मतलब फॉर 99.99 स्टूडेंट, मतलब वो आएगा नहीं उसको कभी। सर वो टेबल की स्लाइड दिखाओ। ओके, आई विल शो दैट स्लाइड। ये सेकंड वाला टेबल है, फंक्शनल ग्रुप का टेबल है, जिसमें टोटल 11 फंक्शनल ग्रुप्स है, अपन ने बस अभी तक 4 लिए हैं, उसमें भी मैंने प्रॉपर प्रीफिक्स नेम नहीं बताया है। जब मैं 11 वाला टेबल बताऊंगा तो वो टाइम पे सबका प्रीफिक्स मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे आया है, ठीक है, और उनके एक्चुअल नाम भी बताऊंगा। ठीक है, I'll give you one more minute to write this table, और उसके बाद में 6 sums करेंगे अपन to make it perfect। लिख के हो गया है, दिया ने बोला है, विस्मया ने बोला है, दिया जो सिटी प्राइड का ये था राइट सेमिनार, क्या सर सिटी प्राइड में थे मिस आपके राइट था, पर हमने नहीं अटेंड किया। हाँ सर था। हाँ सर। सर मैं असला से हूँ। अच्छा दिया परसला से हो। अच्छा ये मतलब वेबिनार सबके लिए था क्या? हाँ सबके लिए, मतलब सिटी प्राइड के स्टूडेंट्स के लिए था सिर्फ शायद। ओके ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, इसमें एक्चुअली एक और कॉन्सेप्ट होता है लेकिन वो लोड मुझको फिलहाल तुम्हारे पे ऐड नहीं करना है। हर एक कार्बन को नंबर दिया जाता है, हर एक कार्बन को क्या दिया जाता है नंबर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, हर एक कार्बन को नंबर दिया जाता है, उसका भी रूल होता है जो कि अपन सेकेंड लेवल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला कैसे यूज करना है उस चीज को मतलब बताऊंगा मैं। ठीक है, किसने कोई डाउट पूछा? सॉरी मिस किया मैंने। ओके सो नो डाउट, अभी तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये लिखना है तुम्हारे बुक्स में। यहाँ पे क्या रहेगा? रूट नेम, देन वी हैव प्राइमरी क्या सफिक्स, और सेकेंडरी क्या रहेगा सफिक्स रहेगा। सबसे पहले बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स स्टैंड्स फॉर क्या? अभी मुझको ये बताओ कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरो है, तो इसका वैल्यू तुमको मालूम है कि ये वाला क्या है क्लोरो है। ठीक है, सेकेंड वाला इट स्टैंड्स फॉर क्या? साइकिल है क्या यहाँ पे? नहीं है, ये वाला पार्ट क्या रहेगा ब्लैंक, वो ऑप्शनल है। What about root name? Pentane. 5 carbon, so it will be क्या रहेगा? ये क्या रहेगा तुम्हारा? Pentane. What about carbon and carbon bond? Single bond. So 1s का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? ANE रहेगा. What about 2s? नहीं है. नहीं है सर. चारों में से यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा. ये वाला पार्ट क्या रहेगा? ब्लैंक.
इसका नाम कैसे देना है? क्लोरोपेंटेन इज अ रॉन्ग आंसर. यस मैंने आंसर डाला टू क्लोरोपेंटेन. यस मैंने आंसर डाला क्लोरोपेंटेन. ओके सो इट इज टू क्लोरो पेंटेन. टू क्लोरो बाद में का बाकी का जो पार्ट है उसको क्या करना है? कंबाइन करना है पेंट और ये क्या रहेगा? ए एन ई. तो इसका आंसर रहेगा टू क्लोरो पेंटेन. नाउ टू एक्सप्लेन क्लोरो पेंटेन कैसे रॉन्ग हो गया. सपोज तुम लोग एज्यूम कर लो कि ये टू नहीं है, ये टू नहीं है और तुमको ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है. तो तुमने क्या क्या देखा पहले, यहां से स्टार्ट करते हैं. पेंट कि तुम लोग ने पेंट देखा और तुमने कितने कार्बन ड्रॉ किए? फाइव. तो ये कितने कार्बन हो गए? फाइव. फिर तुमने क्या देखा? इन की कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो सब बॉन्ड पे क्या रहेगा? ठीक है सिंगल बॉन्ड है, नो प्रॉब्लम. फिर तुमने क्या देखा? क्लोरो. कंफ्यूजन है ना कि क्लोरो, अगर तुमने मैंने नंबर नहीं लिखा है और तुमने क्लोरो ये वाले कार्बन पे ऐड कर दिया तो ये और ये मॉलिक्यूल सेम है क्या? नहीं है. तो दैट इज द रीजन नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है. और नंबरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझको बताएगा कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट, मेरा डबल बॉन्ड और या फिर मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे है. समझ में आ रहा है नंबरिंग का इंपॉर्टेंस? तो सर लेफ्ट साइड से भी सेकंड इस पे लगा सकते हैं ना अगर टू रहेगा तो? क्या क्लोरीन का क्या क्या सेकंड कार्बन से कनेक्ट कर सकते हैं ना अगर सिर्फ टू लिखा है तो? फ्रॉम बोथ द साइड्स वी कैन ऐड ना कोई भी. तेरा आवाज ये हो रहा, ब्रेक हो रहा है, सॉरी. हेलो सर. सर अगर मिडल में था तो तीन आएगा क्या? हाँ. क्या क्या? अगर मिडल में रहता तो नंबर थ्री आता था. मिडल में रहता था तो वो थ्री आता था. ठीक है. नाउ ट्राई द सेकंड वन. सेकंड वाला तुमको ट्राई करना है. देखते तुम लोग क्या लिखते हो. देखते किसी का करेक्ट. वन पी चैट बॉक्स में देना है. Yeah, I'll create that this submit answer. Okay, just give me 1 minute. Rename that is submit answer. अभी वो बन चुका है और तुम लोग उस पे submit कर सकते हो. Sir, एक doubt है. Hello. So we have one answer from Vismaya. Sir, post kiya. Second answer from Sujal. Third answer from Himanshu. Sir? Fourth answer from Pratik. Yeah. Sir, hello. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. मालूम नहीं है. I guess. Sir, आपका internet. हाँ sir, आपका internet unstable हो गया है. मेरा? कुछ नहीं ऐसा. हेलो. या हेलो. हाँ सर, एक डाउट था वो. हम फर्स्ट सम ने हमें ऑर्डर कैसे डिसाइड करने का, मतलब हमने राइट साइड से ही 1 2 3 4 क्यों स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड से? मैंने बताया वो मैं नेक्स्ट स्टेज पे बताऊंगा. फिलहाल नंबरिंग मतलब मैं ही बता दूंगा. ठीक है सॉरी मैंने सेकंड वाले में बताया नहीं. सर जिस साइड से स्टार्ट हो गए मतलब उधर से? यस सर दैट इज ट्रू, लेकिन उसके और भी रूल्स है तो डिटेल में अपन उसको बाद में सेकंड स्टेज में करेंगे. ठीक है. ओके सर. फिलहाल मेरा जिसका कम है वो पहले प्रायोरिटी देंगे उसको. उसके बहुत सारे रूल्स है, छोटे छोटे रूल्स अपन डिस्कस नहीं कर रहे, एक ही बार डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे. फिलहाल मेरा एम है वो फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो तुमको बताने को आना चाहिए, प्रायोरिटी डिसाइड करने को आना चाहिए. तो फिलहाल मेरे पास दो तीन एम है इसके अंदर. ठीक है. जो की अभी सेकेंड वाले का आंसर बहुत लोगों ने रॉन्ग दिया है. देयर आर मेनी पीपल विद रॉन्ग आंसर. सर थर्ड वाला का भेजा है देखो ना. थर्ड वाला भी डिस्कस नहीं कर रहे अपन. वो आ रहा था इसलिए भेज दिया. क्या ये सर? इट इज अ रॉन्ग आंसर. ठीक है. तो ये वाले केस में सेकंड 1p 2p rn 1s एंड 2s मैक्सिमम लोगों ने दो आंसर दिया है. ऑलमोस्ट 50-50% में वो डिवाइड हो रहा है. तो कुछ लोगों का करेक्ट है कुछ लोगों का रॉन्ग है. फर्स्ट टेल मी सब्स्टिट्यूएंट. क्लोरीन. हाइड्रोक्सी. OH इज योर सब्स्टिट्यूएंट. नहीं है ना सर. हाइड्रोक्सी सर.
यस यस ओएच इज अ सब्स्टिट्यूएंट लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप बन सकता है राइट है ना और उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई है क्या नो सो ये सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप बन सकता है सो दैट इज द रीजन इट विल बी सब्स्टिट्यूएंट और उसका वैल्यू क्या रहेगा ओएल रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा ओएल सेकंड 2p का वैल्यू साइकिल है क्या नहीं नो सर ही है व्हाट अबाउट रूट नेम पेंट व्हाट अबाउट 1s एनी It is A N E and remember this there is vowel rule E के बाद में ये क्या आ रहा है O आ रहा है right तो अगर दो vowel vowel के बाद में vowel repeat हो रहा है तो पहले वाले vowel को अपन ignore करेंगे मतलब क्या नहीं लिखेंगे अपन E नहीं लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे E नहीं so इसका जो correct answer है it is spent in और ये क्या रहेगा spent in two पे all पेंटेनॉल दिया है बट स्टिल यू हैव मेक मिस्टेक कि तुमने उसके लिए टू मेंशन नहीं किया है क्या मेंशन नहीं किया पेंटेनॉल करेक्ट रहेगा क्या नहीं अभी उसको भी करेक्ट बोलते हैं बट सर टू पेंटेनॉल करेक्ट नहीं है एक्चुअली नहीं उसको करेक्ट समझ लेते हैं लेकिन जो नए आईबीएससी के टर्म्स है एक्चुअली तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट है या डबल बॉन्ड है या जो भी है उसके सामने ही लिखना चाहिए सो दैट इज मोर करेक्ट वो रॉन्ग नहीं है मैं ऐसे नहीं बोलूंगा क्योंकि तुमको ये बुक्स में दिखने वाला जो तुमने टू पेंटेनॉल लिखा है वो तुमको बुक्स में दिखने वाला है बट दिस इज मोर करेक्ट वे टू राइट द सेम थिंग ठीक है सर सो टू पेंटेनॉल वालों का आंसर करेक्ट फिर वो सर फिर वो पहले वाले सब में भी शायद पेंट के बाद टू आना चाहिए क्यों सर वो कब कैसे क्योंकि सीएल भी तो टू पे ही है ना ये प्रैक्टिस के साथ आएगा तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ पेंट के बाद टू क्यों आएगा ये किसका क्वेश्चन है हेलो हिमांशु सर यस तू बताओ कि मतलब तेरे दिमाग में क्यों आया कि पेंट के बाद टू क्यों आया सर सेकंड सम सॉल्व करते समय मैंने हाइड्रोक्सी कंसीडर किया था तो फिर अभी आपने ओएल बताया तो फिर मुझे मैंने फिर वो लॉजिक पहले वाले सम में कंसीडर किया पहले वाले सम में सेकंड तू ये बता ना फर्स्ट वाले में अच्छा तू ऐसे बोल रहा है मैंने क्लोरो मतलब पहले लिखा वो टू किसके साथ एसोसिएटेड है हिमांशु क्लोरो के साथ एसोसिएटेड क्लोरीन हाँ तो तू पेंट के बाद में क्यों लिखेगा उसको मतलब वो मींस लॉजिकल है क्या वो इट इज एसोसिएटेड विद टू यहाँ पे सेकंड वाले में ये टू किसके साथ एसोसिएटेड था ओएल के साथ करके मैंने टू उसके सामने लिखा है और फर्स्ट वाले में क्लोरो के साथ टू एसोसिएटेड है तो टू मैंने क्लोरो के सामने लिखा है समझ में आ रहा है सर हाँ सर यस सर और एक एग्जांपल का समझ में हेलो यस डाउट किसी का था प्लीज सर तो अगर डबल बॉन्ड ओ रहेगा सेकंड इस पे तो फिर उसको 2 ओ एन ई लिखेंगे ना लास्ट में डबल बॉन्ड ओ नहीं वो अपन डिस्कस करेंगे जब आप वो मिस्टेक वो वाले सब में करोगे है वो उसमें मुझे पूछना था कि हमने पहले सब में स्टार्टिंग में टू लिखा है एंड सेकंड सब में एंड में टू लिखा है स्टार्टिंग और एंड मैटर ही नहीं करता वो किसके साथ एसोसिएटेड है उस वो मैटर करता है फर्स्ट वाले में दैट टू वाज एसोसिएटेड विद क्लोरो और क्लोरो मैंने स्टार्टिंग में लिखा इसलिए मैंने टू भी स्टार्टिंग में लिखा सेकंड वाले में हाइड्रोजन फैमिली रहेगा तो स्टार्टिंग में जिसके साथ भी वो एसोसिएटेड है वो बॉन्ड के साथ रहने दो फंक्शनल ग्रुप के साथ रहने दो किसके साथ भी रहने दो जिसके साथ वो एसोसिएटेड है उसके सामने लिखेंगे ना अपन सर और एक एग्जांपल लो ना अगर वो मतलब फर्स्ट वाले में क्लोरो के साथ एसोसिएटेड था करके मैंने वो क्लोरो के सामने टू लिखा है सेकंड वाले में टू ओएल के साथ एसोसिएटेड था तो ओएल के सामने लिखा है फर्स्ट और एंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा उसके अंदर ओके सर जिसके साथ एसोसिएटेड है उसके सामने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेवल बढ़ा दिया है सबमिट आंसर भी देना है ना या सर उसका नंबरिंग सर नंबरिंग नंबरिंग यस सॉरी मैंने दिया नहीं वो 1 2 3 4 5 Okay, so
There are many correct and many wrong answers. Okay. Zakia, Tejaswini, Diya, Atharva Shinde. Then recently Shaurya Patil ka aaya hai, Amna Sheikh ka aaya hai. Okay. ओके उसको चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि वो करेक्ट है या रॉन्ग. जो तुमने लिखा है ना तो उससे सेम चीज वो नेम यूज करके डिराइव करने को मतलब ट्राई करो. अपने आप ही तुमको करेक्ट आंसर या तुम्हारा एटलीस्ट मिस्टेक समझ में आ जाएगा. ठीक है यहाँ पे एवरीवन सर करेक्ट आ रहे क्या? नहीं बहुत लोगों का रॉन्ग है. स्टिल 70% पीपल आर रॉन्ग. ठीक है या उसको चेक करने का मेथड भी होना चाहिए अपने पास कि किस तरीके से चेक करोगे. नाउ फर्स्ट टेल मी एवरीवन कि इसके अंदर अभी हेक्सेनॉल किसी ने लिखा है? छह कार्बन ही नहीं, पांच ही कार्बन है. पेंट है पांच है. सो ये वाले केस में प्लीज टेल मी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या इसके ये केस में? क्लोरो एक सबसे क्लोरो और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्सी या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है. क्लोरो तो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा. वो कभी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं सर. बट ओएच हैज एबिलिटी टू बिकम क्या? फंक्शनल ग्रुप. और उससे ज्यादा कोई स्ट्रांग है क्या? नहीं. तो यहाँ पे ओएच क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप रहेगा. सो योर सीएल बिकम सब्स्टिट्यूएंट. तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? इट इज क्या रहेगा? क्लोरो रहेगा 1p का वैल्यू. और 2s का वैल्यू क्या आ रहा है? OH आ रहा है. 2s का वैल्यू क्या आ रहा है? OH. OH का कौन सा नाम यूज करेंगे अपन? तुम्हारे पास दो नाम. ओएल सर. ओएल सफिक्स वाला नाम यूज करेंगे. तो आई होप वो लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कब प्रीफिक्स यूज करना. लास्ट वाले में मैंने उसका नाम ठीक है मतलब ओएल और यहाँ पे क्या यूज किया यहाँ पे सॉरी ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उसके लिए. इसके आगे वो आएगा. तो यहाँ पे भी वो क्या रहेगा? OL रहेगा. सफिक्स वाला नाम मैंने क्या क्या यूज किया है? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 2p? 2p का वैल्यू ब्लैंक रहेगा वो. वेरी गुड. व्हाट अबाउट RN? पेंट. इट विल बी पेंट. व्हाट अबाउट 1s? ANE. इट विल बी AN. क्या रहेगा? E रहेगा. ठीक है. उसके बाद में सो तुम्हारा फाइन योर फाइनल नेम विल बी टू आएगा ना फिर रहेगा एन एंड उसके बाद में रहेगा वन ऑल. ठीक है. फर्स्ट कार्बन पे है. कौन से कार्बन पे? फर्स्ट. यहाँ पे ऑप्शन होता है फर्स्ट पे है तो तुमने नहीं लिखा तो भी चलेगा. अगर तुमने नहीं लिखा सर मतलब अगर वन नहीं लिखा इट विल बी एज्यूम्ड. वही बोल रहा हूँ. ठीक है. सो इफ वन इज नॉट रिटन it will be assumed ki it is on the first carbon. theek hai samajh mein aa raha hai? so 2 chloro pentane 1 all. theek hai. to ye tumhare sums the aur teen sums hai to usko abhi lena hai ya kal ke lecture mein lena hai? abhi kal de do sir. ek de do ek de do sir practice ke are nahi homework ke liye do abhi ek will do one thing. nahi wo liya to teen ho lega main kyunki mera har ek sum मतलब वो कुछ तो कॉन्सेप्ट ये कर लो कल. ठीक है. सो विल डू वन थिंग. वो उसको एक्सटेंड नहीं करते. सो विल स्टॉप यूट्यूब का लेक्चर लाइव बंद कर फिलहाल.